हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हेमंत साहू स्टडी सर्कल जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और जो नहीं जुड़े हैं तो वो कृपया इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। कक्षा 11वीं की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मूल संकल्प ना के बारे में जो है हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, क्या है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। कुछ वीडियो, एक दो वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे मूल संकल्पना से संबंधित विभिन्न पद, और ये उनसे संबंधित विभिन्न पदों का एक चार्ट है जिसके माध्यम से आपको जो है इसमें बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है मूल कल्पना के, मूल संकल्पना के संबंध में पहले तो ये पता होना चाहिए कि मूल संकल्पना है क्या आखिर। हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं कि मूल संकल्पना का अर्थ होता है एक ढेर। अवोगैद्रो जो हमारे वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया इसके बारे में पता लगाया और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि मूल संकल्पना का मतलब होता है एक ढेर। और इस ढेर का अर्थ ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12, एक सैकड़ा का मतलब 100, है ना। और हम बोल देते हैं कि एक लीटर, एक लीटर का मतलब 1000 ml, एक किलोग्राम, एक किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। वैसे ही इन्होंने एक जो है मान दिया, एक इकाई दी जो काय के लिए थी, ग्राम के लिए थी या फिर आपके पदार्थ के लिए थी। पदार्थ जो आपके लिक्विड में हो, गैस में हो या फिर ठोस में हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, तो तीनों के लिए उन्होंने एक मान दिया। जो मान क्या था, एवोगैड्रो स्थिरांक था, जो क्या होता है आपका 6.022 × 10^23 इकाई। यही क्या है आपका एवोगैड्रो स्थिरांक है, एवोगैड्रो स्थिरांक। और इस एवोगैड्रो स्थिरांक में होता क्या है, इस एवोगैड्रो स्थिरांक में आपके आणविक जो है भार, परमाणु भार, फॉर्मूला भार या फिर गैसों का आयतन जो है इससे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसी से संबंधित जो है हम कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, मूल संकल्पना के संबंध में परमाणु भार। तो मूल संकल्पना के संबंध में परमाणु भार की बात करें तो जैसे ये लिखा है, एक मूल किस चीज के बराबर होगा, एक मूल 6.022 × 10^23 परमाणुओं के भार के बराबर होगा। मतलब परमाणु का जो एक ग्राम होगा वो एक मूल के बराबर होगा और जिसका मान होगा 6.022 × 10^23 परमाणु, है ना। और यह जो मान होगा यह ग्रामों में इसका भार होगा, ग्रामों में इसके भार के बराबर होगा। जैसे हम बात करें कि कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो ये जो 12 ग्राम होगा यह किसके बराबर होगा, 6.022 × 10^23 परमाणु भार के बराबर होगा। मतलब ये जो एवोगैड्रो स्थिरांक है ये इसका परमाणु भार कार्बन के 12 ग्राम के बराबर होगा। ये मूल संकल्पना के संबंध में क्या हो गया आपका परमाणु भार। दूसरी बात करें अगर हम, तो मूल के संबंध में आणविक भार, मूल के संबंध में आणविक भार की बात करें तो ये हो गया आपका आणविक भार। आणविक भार क्या होता है कि एक मूल जो पदार्थ होता है वह एक ग्राम अणु उसमें उपस्थित होते हैं जो बराबर होते हैं 6.022 × 10^23 के अणुओं के बराबर। और यह जो भार होता है यह ग्राम में भार के बराबर होता है। मतलब
एक मोल आणविक पदार्थ का मतलब होता है कि 6.022 बड़े 10^23 अणु इसमें उपस्थित होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं काय को, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, मान लो ये क्या है आपका, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 20 × 40, 20 क्रमांक होता है। तो 40 प्लस कार्बन कितना है, ये हो गया 40, कार्बन का कितना होता है लगभग 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 × 3 = 48, 16 एक का होता है, 3 है, तो 16 × 3 = 48, जो कितने हो जाएंगे, 40 और 40 = 80, और 12 और 8 = 20, तो कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक मोल होगा वो होगा बराबर 100 ग्राम के बराबर, और यह जो 100 ग्राम होगा यह 6.022 × 10^23 अणु भार के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक मोल है वह 100 ग्राम के बराबर है, और इसका जो 100 ग्राम है वह 6.022 × 10^23 अणु भार के बराबर होगा, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी जो बात है वो क्या है आपका, फॉर्मूला भार। तो फॉर्मूला भार के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आयतन, आयनिक यौगिक का तथा मूल अवधारणा, आयनिक यौगिक की मूल अवधारणा से संबंधित। आयनिक यौगिक व मूल अवधारणा, तो आयनिक यौगिक से मूल अवधारणा से संबंधित क्या है कि इसका जो एक मोल होगा वह बराबर होगा ग्राम में भार के, मतलब फॉर्मूला भार के बराबर होगा इसका एक मोल, और वह फॉर्मूला भार किसके बराबर होगा, 6.022 × 10^23 इकाई के बराबर होगा। मतलब किसी भी पदार्थ का जो एक मोल होगा वह उसके फॉर्मूला भार के 6.022 × 10^23 इकाई के बराबर होगा, वो भी काय में, ग्राम में इसका भार होगा, और उसी को क्या बोला जाता है, फॉर्मूला भार बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखें CaCl2 है, ठीक है। अब CA में क्या क्या है, Ca2+ आयन है, और है आपके क्लोरीन Cl2, ठीक है, माइनस आयन है। अब CA जो है ये कितने हैं, 40, कैल्शियम एक है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो एक क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होगा, और 2 क्लोरीन के द्रव्यमान, लेकिन जो एक कैल्शियम का द्रव्यमान 40 तो है ना, और 40 और प्लस 17 × 2 = 34 हो जाएगा, तो ये नहीं जोड़ना है यहाँ पर, कैल्शियम चूंकि एक है तो ये क्या माना जाएगा, 1 × 6.022 × 10^23, और क्लोरीन जो होगा वह 2 × 6.022 × 10^23 आयनों के बराबर होगा। ये आयन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 आयन है इसलिए 2 का गुणा होगा, और कैल्शियम का 1 आयन है इसलिए यहाँ पर 1 का गुणा होगा, ठीक है। तो कैल्शियम का 1 आयन का जो आयनिक यौगिक का फॉर्मूला भार होगा वो कितना होगा, इतना, और क्लोरीन का कितना होगा, इतना, ठीक। फिर बात की जाए चौथा, चौथा क्या है आपका, मूल के संदर्भ में आयतन, तो मूल के संदर्भ में आयतन की बात करें तो मूल के संदर्भ में हमने पढ़ा हुआ है, ये गैसों का जो आयतन का नियम होता है उसके आधार पर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारी गैसें होती हैं वो सामान्य ताप एवं दाब पर इनके अणुओं या परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। मतलब समान ताप एवं समान दाब पर उस गैस में उपस्थित अणु एवं परमाणुओं की जो संख्या होगी या जो उसका आयतन होगा वह हमेशा समान होगा उसके आणविक भार के, अर्थात एक मोल के, मतलब
जिसका मान होगा 12.4 लीटर। ठीक है, मतलब एनटीपी पर यह आयतन कितना होगा, एनटीपी बराबर 22.4। एनटीपी का मतलब क्या है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। नेचुरल मतलब सामान्य, टी मतलब ताप, पी मतलब प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, तो ये सामान्य ताप एवं दाब की कंडीशन में यह हमेशा कितना होगा, 22.4। तो सामान्य ताप कितना होता है, नेचुरल टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और प्रेशर नेचुरल कितना माना जाता है, 760 mm। ठीक है, ये प्रेशर माना जाता है इतना। तो इतने पर जो है मूल के संदर्भ में जो आयतन होगा वो कितना होगा, 22.4 माना जाएगा। तो ये हो गए आपके इससे संबंधित कुछ गुण, मूल संकल्पना के संबंधित में कुछ प्रूफ थे, कुछ गुण थे जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है कि ये न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखने हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल जल, 1 मोल जल में हमें क्या क्या ज्ञात करना है। इन्होंने बोल दिया 1 मोल जल में ज्ञात करो। पहला क्या बोल दिया, पहला बोल दिया इन्होंने ग्राम, दूसरा बोल दिया इन्होंने अणु, तीसरा बोल दिया हाइड्रोजन के परमाणु, फिर बोल दिया इन्होंने ऑक्सीजन के परमाणु, और पांचवा बोल दिया इन्होंने उसका आयतन। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम यहां पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। सबसे पहले हमें यह देखना है यहां पर कि इन्होंने पूछा है ग्राम, 1 मोल जल में कितने ग्राम उपस्थित होते हैं, ये हो गया इनका क्वेश्चन। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम जल का मतलब क्या है, 1 ग्राम जल मतलब क्या है, 1 ग्राम H2O। अब हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 अणु है, और 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 1 का मतलब ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो ये 16 हो गया, तो 16 और 2 18, तो ये 18 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो इन्होंने पूछा है कि 1 मोल जल में कितने ग्राम होते हैं, तो 18 ग्राम होते हैं। ठीक, इस प्रकार से अणुओं की बात करें तो मान लो 1 मोल जल में जो अणु होते हैं वह 6.022×10^23 अणु होते हैं। अपन ने अभी अभी पढ़ा है 1 मोल के आधार पर जो हमने अणुभार की बात की थी, तो उसमें अणुओं की संख्या क्या मानी जाएगी, क्योंकि 1 अणु किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो 6.022×10^23 अणु हो जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु H2O, हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2 है, हाइड्रोजन परमाणु बस पूछे हैं ना इन्होंने, तो 2 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के, 6.022×10^23 हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित होंगे, इनका आंसर हो गया। ऑक्सीजन परमाणु की बात की जाए तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए इन्होंने पूछा है कि 1 मोल H2O, तो इस 1 मोल H2O में ऑक्सीजन पूछे हैं, तो ऑक्सीजन बता दिया जाए, H2O में 1 है ऑक्सीजन, गुणित 6.022×10^23 ऑक्सीजन परमाणु क्या होंगे इसमें, उपस्थित होंगे।
आयतन की बात की जाए तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है ये जो एक मोल H2O है, इसका मतलब क्या है, एक मोल H2O में कितने ग्राम है, 18 ग्राम है। तो 18 ग्राम बराबर क्या हो गया, 18 मोल के संदर्भ में ये हो गया 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का मतलब होता है लीटर है तो 18 ml, ये हो जाएगा आपका आयतन। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि एक मोल जल में कितने जो है ग्राम होंगे, कितने अणु की संख्या होगी, कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे और कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे, और साथ साथ में उस एक मोल जल में आयतन की संख्या जो है मात्रा कितनी होगी। सो नाउ वी हैव दिस आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, कि 3.2 ग्राम 3.2 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, 3.2 ग्राम परमाणु जो है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी वो पूछने के लिए बोल रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ओ, और ओ मतलब 8 × 16, तो 16 ग्राम होंगे, ये कंफर्म है 16 ग्राम ऑक्सीजन होंगे, कितने में, 1 ग्राम में। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, 3.2 ग्राम में कितने होंगे, तो बस निकाल दो क्या जाएगा आंसर, 3.2, चूंकि 3.2 ग्राम परमाणु बराबर 3.2 × 16, तो 16 × 32 की 2 + 3 16 × 3 = 48 और 3 = 51, तो 51.2 ग्राम क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, और इतनी मात्रा काय की होगी इसमें, ऑक्सीजन की हो जाएगी, दैट इज द आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि 2.5 ग्राम अणु HCl का पूछा है क्या द्रव्यमान, ये कह रहे हैं 2.5 ग्राम अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा, तो बस 1 ग्राम HCl का मान कितना होगा, हाइड्रोजन का एक अणु क्या देगा, मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु है यहाँ पर, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, एक होगा, प्लस क्लोरीन का भी एक है, क्लोरीन का कितना होता है क्रमांक 17 और द्रव्यमान कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5 ग्राम हो गया ये। अब ये कितने का है, एक का निकला है ना, इनको काय का चाहिए है, 2.5 ग्राम का चाहिए है, तो चूंकि 2.5 ग्राम अणु HCl का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 36.5 × 2.5, जैसे जो है हमने इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 36 55 25 की 5 + 2 5 का 30 और 2 32 की 2 + 3 5 या 15 और 3 18 गुड 2 5 10 का 0 + 1 2 6 5 1 2 के 2 8 3 11 1 + 1 7 2 9 2 के बाद दशमलव 1 ये दशमलव 1 ये दशमलव, तो 2 के बाद लग जाएगा दशमलव, तो कितना आ जाएगा 91.25 ग्राम। ठीक है, HCl मतलब इनका आंसर कितना हो जाएगा,
2.5 ग्राम अणु HCl बराबर हो जाएगा 91.25 ग्राम HCl के बराबर होगा। ये हो गया इनका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, मतलब 11 दूनी 22, तो 22 क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान, लेकिन ये 23 होता है 1 ग्राम परमाणु, तो ये हो जाएगा लगभग 23 ग्राम सोडियम के। ठीक है, 1 ग्राम सोडियम मोल के बराबर ये 23 ग्राम सोडियम का मान यहाँ पर हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो एक परमाणु सोडियम का, एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 23/6.022 × 10^23 के निकालने के लिए इतने ग्राम के बराबर ये होगा। तो बस काटा पीटी करने के बाद ये आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3.82 × 10^23। 10^23 क्यों? क्योंकि ये जो संख्या होगी जब ये ऊपर जाएगी तो ये धनात्मक जो मान होता है, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो ऊपर जाने पर कायम बदल जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपका 1 ग्राम एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 3.82 × 10^23। ठीक है, अब यहां पर अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो जैसे हमने सोडियम के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात किया, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है? 12 × 6^12 प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कितना होता है? देखो कार्बन तो एक था तो 1 × 12 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 × कितना हो जाएगा? 16। तो 16 × 2 = 32 और 12 कितने हो जाएंगे? 44। ठीक, तो 44 ग्राम क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान हो गया। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक परमाणु अणु का द्रव्यमान किसके आधार पर? मूल संकल्पना के आधार पर ज्ञात करना है। तो उसके आधार पर ये क्या हो जाएगा? 44/6.022 × 10^23 और काटा पीटी होने के बाद ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 7.31 × 10^23 इतने ग्राम। ये जो कटेगा तो 7, 6, 6, 7, 42 और धीरे धीरे कट के ये 7.31 × 10^23, क्योंकि ये 23 कहाँ जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9 ग्राम जो जल है उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? मतलब यहां पर मात्रा नहीं पूछ रहे, उन्होंने ऑलरेडी मात्रा दी हुई है कि 0.9 ग्राम जल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बता दो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको
पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो अणु है जल की मात्रा, 1 ग्राम अणु जल की मात्रा कितनी होती है? 6.022×10^23 अणु के बराबर ये होती है। और ये H2O का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम होता है। मतलब यही क्या हो गया, अगर आपको निकालना है 0.,  ये तो 1 मोल के बराबर होगा, इनको कितना चाहिए? ये 1 ग्राम के बराबर है, आपको चाहिए 0.9 ग्राम के बराबर। तो 0.9 ग्राम जो जल होगा वो बराबर होगा 6.022×10^23×0.9, और बटे में कितने आ जाएंगे? 18 ग्राम आ जाएंगे। तो 9 दूनी 18, ये कटपिट के आंसर कितना आ जाएगा? ये कटपिट के जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 3.011×10^22 अणु H2O के। इतनी क्यों? क्योंकि ये जो है ये इससे कटेगा तो 9 दूनी 18 बना देगा, और ये 0.,  कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। जब इससे कटेगा तो ये आ जाएगा लगभग, इसका आंसर 3.011×10^22, सॉरी 23 नहीं, 22 अणु आ जाएंगे। अब ये तो कितने का है, अब इसमें आपको ये पता करना होगा कि 3.011×10^22 जो अणु है जल के, इसमें अणुओं की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्वेश्चन में यही था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 है, तो क्या कर दो, 2×3.011×10^22 आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6.11, 11 दूनी 22, तो 0×22×10^22 ये कितने हैं? काय की है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो गई। अब ऑक्सीजन की अगर निकालनी है, 3.011×10^22 अणु H2O है, और इसमें ज्ञात करनी है काय की संख्या? ऑक्सीजन की संख्या। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1×3.011×10^22 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.9 ग्राम जल में ये हो गई हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ये, और ये हो गई आपके ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो हम क्या बोलते हैं जिसको, NaCl, इस NaCl और टेबल सुगर, और टेबल से अगर हम किसको बोलते हैं, C22O, C12O22,
H22O11। इसमें ये पूछ रहे हैं इसकी कीमत क्रमशः कितनी दी हुई है, 2 रुपए per kg और टेबल सुगर की कितनी दी गई है, 6 रुपए per kg। सो ये पूछ रहे हैं कि प्रति मोल में, अगर प्रति मोल इनकी मात्रा ज्ञात की जाए तो यहाँ पर इसकी प्रति मोल की गणना करनी है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन कि टेबल सॉल्ट जो NaCl है और जो आपका टेबल सुगर है, तो टेबल सॉल्ट में 2 रुपए प्रति किलोग्राम है और टेबल सुगर जो है C12H22O11 इसकी कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो प्रति मोल में इसकी गणना करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो NaCl होता है, NaCl का जो ग्राम सूत्र होगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान इसका कितना होगा, 23, सोडियम 11, 11 दूनी 22, तो 23 और क्लोरीन का 35.5, ये मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। अब C12H22O11 का कितना होगा ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान होगा कार्बन कितने, 12, मतलब 12 गुणित कार्बन 6 दूनी 12, 12 ही द्रव्यमान होता है, तो 12 गुणित 12 धन हाइड्रोजन कितने हैं, 22 हैं, तो 1 गुणित 22 धन ऑक्सीजन कितने हैं, 11, तो 11 गुणित 1 का कितना होता है, 8 दूनी 16। अब 11 और 16 का गुणा करने पर कितना आएगा, 12 12 144 प्लस 22 प्लस 16 गुणित 11 11 6 6 6 11 11 और 6 11 और 6 17 176। अब इन सबको जोड़ने पर तो 176 144 और 22, 6 4 10 2 12 3 2 11 7 4 11 12 13 और 1 7 4 11 12 13 14 5 4 1 342। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 342। अब ये तो 342 काय में आया है, ये जो आपका 342 है ये ग्राम में आया है। इन्होंने क्या पूछा है, 58.5 जो है मोल में कितना होगा, 2 रुपए प्रति की दर से है ये, है ना, लेकिन पूछा क्या है कि 1000 ग्राम, ये जो आपका 1000 ग्राम NaCl है इसकी कीमत क्या होगी, तो 1000 ग्राम NaCl की कीमत के लिए क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 2 रुपए प्रति दर से है, तो 2 गुणित 58.5 क्या था इसका, द्रव्यमान था, तो 58.5 जो द्रव्यमान है ग्राम में, इसका गुणा करने पर कितने से भाग देने पर, 1000, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है और हमें क्या के चाहिए, किलोग्राम की दर से चाहिए, तो 1000 के हिसाब से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा आपका 0.117 रुपये। ठीक है, अब 0.11 पैसे को क्या, 11.7 को क्या बोला जा सकता है, 12 पैसे बोला जा सकता है, तो ये हो जाएंगे 12 पैसे। लेकिन अब क्या करना, ये तो सोडियम का निकल आया, ठीक है, NaCl का। अब इसी प्रकार से 1000 ग्राम C12H22O11 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, कितने की दर से था ये, 6 की दर से, तो 6 गुणित ये कितना था, 342 बटे 1000, तो 2 12 2 1 6 6 24 1 25 5 2 3 18 और 2 20, मतलब 2052 भागित क्या कर दो, 1000 कर दो, तो भागित 1000 करने पर ये कितना हो जाएगा, लगभग 1000 दूनी 2000, तो 2.2
05 रुपए, ये काय का आंसर हो जाएगा सुगर का। ओके, इतनी सुगर की कीमत है और इतनी इसकी कीमत है। ठीक, ये टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर की बात की जा रही है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।